रमजान के महीने का एहसान उठा के दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप दोनों से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो व्लॉग है ना वो मैं अपने पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने ये व्लॉग एंड तक देखना है। तो यहाँ पर मैं अभी सहरी बना रही हूँ फिलहाल, और सहरी में मैं बना रही हूँ, एक तो मैं पुलाव बना रही थी आलू वाला, और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्च का सालन। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है, ये मैं दूसरी दफ़ा ट्राई करी हूँ। और ये अचारी मिर्च का सालन है, और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से बनेंगे। अभी फ़िलहाल मैं चावल भी साथ में रख देती हूँ, साथ दूसरे चूल्हे पे मैं मिर्च रख देती हूँ। और चावलों के लिए मैंने प्याज डाल दिया है कढ़ाई में ऑयल डाल के, ताकि वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने हल्का सा ऑयल डाल के ना फ्राई पैन में, उसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से कट लगा लिया। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और हरी मिर्चों में क्या करना है जी, हमें इनको भरना है, और भरना किस टाइम पे और किस चीज़ से बना हुआ मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं इनको बहुत ही लो फ्लेम पर रखे ना हरी मिर्चों को यहाँ पर मैं सेक लूँगी, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी थी और काफ़ी ना हार्ड हार्ड सी थी, तो इनको पहले सॉफ्ट करना है। और दूसरी साइड पर प्याज फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए मैं साइड चेंज कर देती हूँ इनकी, और आपको पता है कि मैं डेली एक नई रेसिपी देती हूँ, तो आज आलू वाले चावल तो सबको बनाने आते हैं, लेकिन यहाँ पे हरी मिर्चों का सालन मैं ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया भी और खाया भी हो, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हैदराबादी मिर्चों का सालन बनता है, वो भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन ये अचारी मिर्चों वाला सालन है जो मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। और प्याज हो गया है गोल्डन ब्राउन, और मैं यहाँ पे इसमें पानी वगैरह मसाले वगैरह डाल दूँगी। और दूसरी साइड पर मैंने अभी भी लो फ्लेम पर वही हरी मिर्चें रखी हुई हैं। और आलू वाले जो चावल मैं बना रही हूँ उसमें मैंने कटा हुआ टमाटर डाल दिया, लहसुन डाल दिया थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ, और साथ में हरी मिर्ची ऐड कर दी है। और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी, और आलू डाल के भी मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बाकी स्पाइसेस में बस वही नमक मिर्च और इस तरह की चीज़ें जाएंगी, गर्म मसाला जाएगा। आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो मैं रेसिपी आज आपको बता रही हूँ ना हरी मिर्च का सालन का, आपने ये लाजमी ट्राई करनी है, आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मज़े की बनती है। ये बड़ी खट्टी खट्टी सी ना मज़े की बनती है, बिल्कुल अचार जैसी हरी मिर्च होती है ना उस तरह का, और जिस तरह इसका टेस्ट वैसा आता है जैसे आप अचार कुछ बनाते हैं ना, तो उस तरह का इसका टेस्ट आता है। यहाँ पर अपना हरी मिर्चें जो मैंने हल्के हल्के सेक लिए, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में, और अब हम इनको भरेंगे। और भरेंगे किसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कौन कौन सा मसाला लिया है। और यहाँ पे जी बाकी जो प्याज और टमाटर जो है मैं इसमें, प्याज अभी फ़िलहाल टमाटर नहीं डाली, अभी फ़िलहाल मैं प्याज डाल के इसको थोड़ा सा सोते होने के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बनानी है। और यहाँ पे जी आलू अब डाल दूँगी दूसरी तरफ, मैं साथ साथ दोनों काम करी थी, क्योंकि टाइम कम था और सहरी भी करनी थी, और साथ में भी आटा भी मुझे गूंदना था, लस्सी भी बनानी थी, बाकी रोटियां तो अम्मी बना लेंगी। तो फिर मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी दोनों चीज़ें इकट्ठी साथ में बननी रख दूं, और आपको साथ साथ बताती भी जाऊं। मैंने आपके साथ शेयर करना होता है, इसलिए मुझे साथ शूट भी करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता। अब आलू में बस मैंने नमक मिर्च और गर्म मसाला डाल दिया, अब इसको मिक्स करके हल्का सा पानी लगा के उसको मैं दम पर रख दूँगी, ताकि जो आलू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हरी मिर्चें मैंने किस तरह से किस मसालों के साथ भरी हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ फिर आगे। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने पानी ऐड करके इसको रख देंगे दम पे, ताकि आलू सॉफ्ट हो जाएं। और चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे प्याज भी जो है वो भी हल्के से सोते हो रहे हैं, मैंने बहुत लाइट फ्लेम पे रख दिया था इनको, ताकि ये जल ना जाएं और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमें इन्हें गोल्डन नहीं करना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मैं ना क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैंने मुझे लगा कैमरा चल रहा है कि वो नहीं चल रहा था, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये दही लिया था 2 से 3 टेबल स्पून, उसमें मैंने अचार गोश का मसाला, कलमंजी, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्च का पाउडर, ददरी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, और ऐड करके मैंने इसको दही में मिक्स कर दिया अच्छे से, और इसका पेस्ट बना लिया। और मैं यहाँ पे अब इसको जितने भी मैंने इसमें मसाले डाले ना, वो सारे मैंने ना दरदरे पीस लिए थे, दरदरे के थोड़े से इतना फाइन भी नहीं पीसा था, लेकिन ये कि वो पाउडर सा बन गया था। और अब इनको मैंने जो हरी मिर्ची कट लगा के मैंने उनको सोते किया था, अब उनमें सारे मसाले की फिलिंग कर लूँगी, और यकीन माने इतनी मज़े की बनती है ना। और इसमें दही भी कुछ ऐड है, दही खट्टा खट्टा होता है तो उसका भी टेस्ट होता है, अचार गोश्त का जो मसाला मैंने इसमें ऐड किया उसका भी एक अलग से टेस्ट है, और इसमें साबुत मसाले जो गए हैं वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो अभी सारी मैं इनको कर दूँगी फिल। और वहाँ पे जी प्याज भी हमारा तकरीबन सोते हो चुका होगा, उसमें मैं टमाटर वगैरह ऐड करके उसको उसकी ना हल्की सी ग्रेवी बना लूँगी, और बाकी फिर जो मसाला बचा हुआ है ना ये सारा, वो सारा वो भी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने टमाटर और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, लहसुन भी मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया है इसमें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसको कर दूँगी सोते,
और ये आपने क्या करना है, आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है, इस पूरी रेसिपी को आपने इतने हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। तो मैंने बहुत लो फ्लेम रखी हुई है और इसमें ऑयल भी मैं इतना ही डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। और अब मैंने इसमें हल्का सा ज़ीरा डाल दिया है, और अगर आप चाहें तो इसमें वो ड्राई भी डाल सकते हैं या कलौंजी भी इस टाइम पर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने ज़ीरे का थोड़ा सा टेस्ट दिया है वो ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं चम्मच चला के हिला लूँगी, और बाकी अभी जो हरी मिर्चें हैं ना वो सारी मैं इसमें अब इस तरह से डाल दूँगी सारी की सारी। और जो इसकी ग्रेवी बची है ना, ये जो मसाले की मैंने फिलिंग की है हरी मिर्चों में, वो भी मैं इसके ऊपर ही सारी उंडेल दूंगी, और उसी में इसकी ना अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। कुछ टमाटर का पेस्ट हो जाएगा अंदर, कुछ प्याज जो मैंने इसमें डाले वो भी सॉफ्ट होके वो भी ग्रेवी सी बन जाएगी, और बाकी कुछ इसमें दही वाला जो मसाला जाएगा। और इसमें दही वाले मसाले के अलावा ना मैंने इसमें वैसे भी दही ऐड किया 2-3 टेबल स्पून ना, उसी के साथ इसकी ग्रेवी तैयार होगी। दूसरी साइड पे आलू भी जो अच्छे से वो कुक हो चुके हैं, अब उसमें पानी मैं डाल के तो उसमें भी बाद में चावल डालूंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने जो दही डाला है ना उसको मैं मिक्स करके अच्छे से, और इसको रख दूँगी दम पे ताकि ये अपने दम पे ही पकती रहे और ग्रेवी भी अच्छी से रेडी हो जाए। हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हरी मिर्च ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, वो बड़ी अच्छी लगेंगी फिर खाने में। इस तरह भी ये क्रंची टेक्सचर दे रही थी, तो ऊपर से मैंने इनको कर दिया जी कवर, और दूसरी साइड पर जी हमारे आलू भी अच्छे से गल गए हैं, और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। और इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया, इसकी थोड़ी सी भुनाई करके अब हम इसमें पानी ऐड, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है और रोज़ा बहुत लगता है अब, और रोज़ा भूख तो नहीं लगती कम अज़ कम, लेकिन ये प्यास बहुत लगती है। और मेरा तो कल भी बड़ा दिल घबराने लग गया था, मैं जो लास्ट टाइम बाजार गई हूँ तो उसकी वजह से मेरी 2 दिन तबीयत ना बड़ी बोझल सी रही है, गर्मी ऐसे जैसे ना दिमाग के अंदर ही घुस जाती है ना, इस तरह का हाल हुआ हुआ था। लेकिन ये खैर रात को ये कि मौसम अच्छा हो जाता है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बन रही थी तो मैंने सोचा तब तक जो बर्तन गंदे हो गए मैं वो वॉश कर लेती हूँ, तो बर्तन वॉश कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि फाइनल लुक दिखाती हूँ हरी मिर्चों की और क्या बनी हुई है सारी। और अभी फिलहाल मैंने उसमें चावल वगैरह ऐड करके चावलों को मैंने रख दिया, तो उसमें पानी ड्राई हो जाएगा तो उसको मैं लगा दूँगी दम। और ये देखिए काफ़ी तक ड्राई हो चुका है, इसको दम लगा देंगे। बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं, और इनको दम लगाने के बाद ना दोनों चीज़ों को फिर मैं बना लूँगी, वहाँ पे आटा गूँध लूँगी और लस्सी बना लूँगी। और लस्सी और आटे का मैंने क्लिप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। और जी ये देखिए हरी मिर्चों का सालन कितना ज़बरदस्त, जी ये मैंने सहरी लगा दिया टेबल पर, और ये हरी मिर्चों का सालन भी रेडी था, इनको भी मैंने गर्म कर दिया बाद में। और साथ में जी ये आम की चटनी बना के रखी थी मैंने, अम्मी ने सॉरी बना के रखी थी परसों, तो वो है। तो जी सैरी करके हम लोग सो गए थे, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे बहुत सारे काम करने वाले थे, और सबसे बड़ा जो काम था ना मेरी पूरी की पूरी वार्डरोब जो है ना वो ख़राब हुई हुई थी, ये कि दरवाज़ा खोलो सारी चीज़ें नीचे, जैसे कि आपने देखा भी मैंने दरवाज़ा खोला है सारी की सारी चीज़ें नीचे गिर गई हैं। और आप मुझे बताइएगा किस किस के साथ ऐसे होता है कि आप जब आपकी जो वार्डरोब है आपको ऑर्गेनाइज़ करनी होती है तो उससे पहले उसका क्या हाल हो गया होता है। मैंने भी काफ़ी अर्से से ना इसको ना सही किया नहीं था, तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से, क्योंकि डेली कपड़े निकाल रहे थे तो उसी ऊपर नीचे हो गए हुए थे सारे, और इसी तरह था कि वो दरवाज़ा खोलो तो डेली कोई ना कोई चीज़ नीचे गिर जाती थी, फिर जो मुसीबत पड़ती है ना उसको वापस रखने में, तो सारे कपड़े फिर मैंने गुस्से से आज निकाल ही लिए कि मैं आज इनको सही कर ही लूँ। तो मैं आपको साथ साथ अपनी थोड़ी सी कलेक्शन भी दिखा देती हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो निशात का सूट था, वो मैंने लास्ट ईयर लिया था गौन स्टाइल में, वो काफ़ी इन हुए थे ट्रेंड में। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना वाइट वाली शर्ट, ये जी आलिया ने खुद इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की थी सारी इस फ्रॉक पे, तो उसने स्टिच किया था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़ियाँ उसने बना के की थी, बहुत अच्छी बन रही थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। अब यहाँ पे मैं आलिया अपने कपड़े अलहदा कर लेगी और मैं अपने अलहदा कर लूँगी, क्योंकि हम दोनों के कपड़े जो है अच्छे खासे मिक्स हुए, वैसे तो हम लोग एक दूसरे के पहन लेते हैं लेकिन बहुत बुरा हाल था, तो हम लोगों ने सोचा ना अलहदा अलहदा कर लिए थे। और मैं आपको बताऊँ मसला ज़्यादा क्या हुआ, आलिया ने ना अपनी सारी पैंट्स और इस तरह की जो चीज़ें थी ना उसने ना ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ था एक, उसमें रखी हुई थी, और बाकी सारे जितने भी दुपट्टे थे ना हमने वो भी ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए थे। क्या था बार बार उसमें से निकाल डाल के ना तो वो दोनों ऑर्गेनाइज़र फट चुके थे, और उसकी वजह से ज़्यादा उधम मच गया था। अच्छा ये वाला जो आप दुपट्टा देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये मुझे बड़ा पसंद है, और ये वैसे भी काफ़ी इन इस तरह से ना डायमंड दुपट्टे काफ़ी नए हुए हैं ऑर्गेन्जा पे भी और रेशमी में भी, तो वो ये वाइट वाली शर्ट के साथ का था। वो जो शर्ट है ना वो मैंने निशात से ली थी, और ये मैं आपको अपने साथ साथ ट्राउज़र की कलेक्शन भी दिखा देती हूँ। ये जो ट्राउज़र है ना ये ऑर्गेन्जा का है, इसके नीचे मैंने लोन लगा के ना इसको स्टिच किया, बहुत ही प्यारा बहुत ही एलिगेंट लगता है। अच्छा मैं मज़ीद भी आपको दिखा देती हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और बहुत सारे अपने ट्राउज़र्स की या ड्रेसेस की वीडियो समर कलेक्शन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस किस तरह के आप कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं, और बाकी मेरे पास क्या क्या है और कहाँ किस किस ब्रांड के हैं या किस किस तरह की चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फिलहाल ये जो मैं कपड़े संभालते संभालते 2-4 ट्राउज़र मेरे हाथ लगे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे।
अब मैं सारे अपने कपड़े अलहदा से तय लगा लूँगी, आरी अपने अलहदा से लगा लेंगे, और अगर कोई चीज़ निकाल लेना इस तरह से अलमारी में से, और फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं रही थी। मैं हम लोगों ने, मैंने और आलिया ने अपने कपड़े निकाले थे, उसके बावजूद अम्मी के और हमज़ा के सारे वो भी नीचे गिर गए थे, और उनको भी हमें संभालना पड़ा। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ, ये पेंट्स की कलेक्शन है कुछ मेरे पास, ये 5-7 हैं और अलहदा अलहदा कलर में, कुछ डार्क ब्लू हैं, कुछ लाइट ब्लू हैं, कुछ बहुत ही वो स्काई ब्लू टोन में आ रही हैं, एक ब्लैक कलर में है, और जी के ट्राउज़र एक और है क्या था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी आलिया ने इस तरह की चीज़ें बहुत संभाल के रखती है। तो ये आलिया की यूनिवर्सिटी की ना सिग्नेचर शर्ट है, जब इनका यूनिवर्सिटी क्लास डे था तो इनके सब फ्रेंड्स ने ऊपर इस तरह से एक दूसरे की टी शर्ट्स के ऊपर ना साइन किए थे, कुछ ना कुछ लिख के दिया था, तो आलिया ने संभाल के रखा हुआ, तो उसके कपड़ों में से निकला, तो मैं आपको दिखा दूँ कि अच्छा ये भी यादें होती हैं आपकी, आप मतलब लाइफ में कितना आगे निकल जाते हैं, लेकिन बाज़ इस तरह की चीज़ें देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो जी ये वापस हम लोग घुसेड़ के रख देते हैं आलिया की, इससे पहले क्या आलिया ये कि वो कहाँ चली गई, और आलिया किस तरह की चीज़ों को मैं तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती जो उसने संभाल के रखी होती है। और ये जी ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने निशात से लिया था ये वाला, और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में आया हुआ था तब, ये गोन टाइप ना उन्होंने बनाए थे, प्रिंटेड में भी थे, एम्ब्रॉयडरी में भी थे, तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। अभी ये मैंने एक दफ़ा वेयर किया है, और बहुत जल्द मैं इन सब कपड़ों को प्रेस करके ना, तो मैं अपनी सारी वार्डरोब की ना आपको अलहदा से वीडियो दिखाऊँगी कि मेरे पास कौन कौन सी कलेक्शन पड़ी हुई है। और एक ये जी ये वाला भी है, ये मैंने स्फायर से लिया था, आई थिंक इसको 2 साल हो गए, ये ब्लोर में बहुत अच्छा है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। अब खैर ये वाले आर्टिकल वहाँ पर आपको मिलेंगे तो नहीं, आर्टिकल ना काफ़ी मतलब आपको पता है कि आर्टिकल 6 माह बाद भी बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा मिलना, तो ये तो फिर खैर साल पहले के हैं, तो ये आर्टिकल मिलेंगे तो नहीं, लेकिन ये कि आप इस तरह के स्टिच भी कर सकते हैं, मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। और अब बाकी सारे कपड़े जो है वो भी हम लोग संभाल के रख लेंगे। तो फाइनली मुझे लगता है कि आज सिर्फ मेरी पूरी वीडियो में या तो सहरी जाएगी या यही जाएगा, क्योंकि ये काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई, मुझे लगता है कि मैं दिन भर में और कोई काम आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगी। तो अब ये मुझे गुस्सा आने लग गया था, पहले कपड़े तो मैंने सारे संभाल के रख दिए, सारे आलिया भी साथ में लगी हुई थी, और यहाँ पे दुपट्टे जो है ना, ये तकरीबन कोई 100 दुपट्टा था, और मुझे ना दिमाग ख़राब हो रहा था देख देख के, अब इनको मैं कहाँ पर रखूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जो है वो फट चुका था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जी मेरे पास दो चुनरी हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और यकीन माने मैंने अभी तक एक भी यूज़ नहीं की, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती इनके साथ मैं क्या ड्रेस बनाऊँ, लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ मैं वाइट ड्रेस इनके साथ ना सिंपल वाला बना लूँ। तो जी ये सारे कपड़े मैंने बना के तय लगा के रख दिए, सारे अपने और आलिया के अलहदा अलहदा रख दिए, और बस मेरी बात सुनी हुई थी, और मैं यहाँ पर ऊन पटांग हरकतें करना शुरू हो गई थी, और आलिया को गुस्सा आ रहा था कि जल्दी से समेट दूँ, क्योंकि वो इतने सारे कपड़े देख देख के ना वैसे दिमाग ख़राब हो रहा था रोज़े में। और यहाँ पे दुपट्टे सारे मैं अलहदा कर देती हूँ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि मैं इन दुपट्टों का क्या करूँ, मैं कहाँ पे रखूँ, मेरे पास तकरीबन 100 के करीब ये दुपट्टे हैं, हर कलर में मैंने दुपट्टा लेके रखा है। और क्या है कि मैं और आलिया क्या करते हैं, हम लोग बहुत काम है, हम लोग 3 पीस लेके पहनते हैं, हम लोग उस तरह से नहीं सूट लेके पहनते, हम लोग इसी तरह शर्ट्स ले लेते हैं, यहाँ ट्राउजर्स के एक ट्राउजर के साथ 2-2 शर्ट्स भी हम लोग चला रहे होते हैं, मतलब हम लोग ना इस तरह से बाकी डाई के दुपट्टे या कलर वाले दुपट्टे ले लेते हैं, जो कि काफ़ी सारे सूट्स के साथ भी चल जाते हैं, तो इसलिए दुपट्टे हमारे पास इतने सारे, और हर कलर में आप जैसे कि देख रहे होंगे मेरे पास हर कलर में दुपट्टा, हर शेड में आपको दुपट्टा मिलेगा। और अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनका क्या करूं, बस मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अभी फिलहाल इनको मैं अलहदा अलहदा करके रखती हूँ, क्योंकि कुछ मैंने देखे थे उनमें ना थोड़े से ना ख़राबी आना शुरू हो गई थी, उनको मैं अलहदा कर दूँगी, बाकी जो रखने वाले हैं वो मैं अलहदा कर दूँगी, ये सारे दुपट्टे मैं अपना निकाल के अलहदा अलहदा, और आप देख रहे होंगे कि हर शेड में दुपट्टा मेरे पास है, चाहे वो लाइटर कलर है चाहे वो डार्क कलर है, हर शेड में आपको मिलेगा। और 2-3 चुनरियाँ भी हैं, वाइट दुपट्टे भी हैं मेरे पास, ब्लैक दुपट्टे 3-4 तो ब्लैक दुपट्टे ही निकल आए थे, और सारी चीज़ें ये मैं देख रही हूँ साथ साथ मैं क्या करूँ इनका, और मुझे लग रहा है इनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये वाला जो दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके ऊपर पेंट हुआ है, ये काफ़ी अब तो ये ट्रेंडिंग में भी है, और मैं आपको बताऊँ ये दुपट्टा बड़ा ही कुछ ना कदीम दुपट्टा है, ये तकरीबन 10 साल पुराना दुपट्टा है, बिल्कुल नए का नया पड़ा है, हम लोगों ने इसको यूज़ ही नहीं किया आज तक। और मैं सोच रही थी, आलिया भी मुझे कह रही थी कि इसके साथ ना इस दफ़ा कुछ सूट बनाते हैं, और क्योंकि ये चीज़ वैसे भी ट्रेंडिंग में आ गया, चुनरियाँ ना ये भी मेरे पास तकरीबन 2-4 साल पहले की, और इसके साथ मैं अभी तक कोई सूट नहीं बना सकी, तो आप मुझे बताइएगा इसके साथ मैं ब्लैक वाला सूट बनाऊँ या इसके साथ मैं वाइट सूट बनाऊँ, तो आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये काम तो मुझे लगता है यहीं पर यहीं का यहीं रह जाएगा, और मुझे कोई समझ नहीं आ रही, तो वीडियो एंड करते हैं यहीं पर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।